हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इट्स कैनी चैनल पर। आज मेरे पास है वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड बेस एडिशन एयरफोन्स। तो आज मैं इस वीडियो में इस एयरफोन के अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, साथ ही इसके फीचर्स और इसके बारे में सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे, और मैं आपको इसका टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और इसके प्राइस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह के पैकेजिंग बॉक्स में ये एयरफोन आते हैं, और अगर हम बॉक्स के बैक साइड देखें तो यहाँ पर आपको इसके कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं एयरफोन के साथ हमें बॉक्स में क्या क्या मिलता है। यहाँ पर देखिए, बॉक्स में हमें और एक छोटा बॉक्स दिया गया है, तो चलिए इसे ओपन करते हैं। तो देखिए, इसके साथ हमें ये USB चार्जिंग केबल मिलती है। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसे आप अपने मोबाइल चार्जर से कनेक्ट करके चार्जिंग कर सकते हैं। तो चलिए और देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए, हमें इसमें एक वेलकम कार्ड मिलता है। इस कार्ड को आप स्कैन करके कुछ बेनिफिट ले सकते हैं इनके वेबसाइट पर जाकर। तो चलिए इसे नीचे रख देते हैं और देखते हैं, इस पाउच को ओपन करते हैं। इसमें आपको एक्स्ट्रा रबर बर्स दिए गए हैं, ये 4 की क्वांटिटी में दिए गए हैं। अगर आपके एयरफोन के रबर ख़राब हो जाए तो आप इससे उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें वापस रख देते हैं। और इसमें आपको एक यूज़र मैनुअल दिया जाता है, आप चाहे तो उसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे भी नीचे रख देते हैं और आप बढ़ते हैं हमारे एयरफोन की तरफ। देखिए, कुछ इस तरह से ये इसमें पैक है। तो चलिए सबसे पहले इसे बाहर निकालते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह के एयरफोन हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। बात करें इसके बॉडी मटेरियल की, तो इसमें आपको प्लास्टिक और रबर कोटिंग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर एयरफोन की तरफ आपको प्लास्टिक और यहाँ पर नीचे आपको रबर कोटिंग देखने को मिलती है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है। बात करें अगर इसके डिज़ाइन की, तो इसके इस साइड वन प्लस का लोगो देखने को मिलता है और इसके दूसरे साइड आपको इसके इंडिकेटर, माइक और कीज देखने को मिलती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। और ये बहुत फ्लेक्सिबल भी है, इसे आप जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, ये ख़राब नहीं होने वाला। और इसके इस तरफ आपको वॉल्यूम कीज मिलती है। देखिए, यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन कीज मिलती है। इसके बीच में आपको कॉल पिकअप और पुश का बटन मिलता है, साथ ही आपको इसमें एक इंडिकेटर और इसके इस तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, और यहाँ पर इसके पीछे आपको इसका माइक मिलता है। और अगर बात करें इसके वायर क्वालिटी की, तो इसकी वायर क्वालिटी बहुत ही अच्छी दी गई है, आप खुद देख सकते हैं। इसे अगर हम खींचेंगे तब भी ये टूटने नहीं वाली जल्दी, और ना ही ये खराब होने वाली है। तो वायर की क्वालिटी के मामले में ये बहुत ही अच्छे एयरफोन है। और अगर हम एयरबड्स की बात करें, तो वो आपको प्लास्टिक के मिलते हैं और इसमें आपको मैग्नेट मिलता है। इस मैग्नेट में आपको और एक फीचर मिलता है, जिससे कि आप एयरफोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए, अभी ये कनेक्ट है तो ये ऑफ है, जैसे मैं इन्हें अलग करता हूँ देखिए ये ऑन हो जाएगा, देखिए ये ऑन हो गया, और जैसे मैं इन्हें कनेक्ट करूँगा ये ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी बची रहेंगी, आप जब हेडफोन यूज़ नहीं कर रहे होंगे। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा फीचर है। तो हमने बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन और फीचर्स की बात तो कर ली, अब बात करते हैं इसमें दिए गए कुछ स्पेसिफिकेशन की। तो सबसे पहली बात है कि ये एक बेस एडिशन है, तो इसमें आपको बेस बूस्ट मिलता है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा बेस मिलता है। दूसरा, इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि आप अगर इसे 10 मिनट तक चार्ज लगाते हैं तो आपको 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और अगर आप इसे फुल चार्ज करते हैं तो आपको 17 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। और इसमें आपको क्लियर एंड स्टेबल कॉल का ऑप्शन मिलता है, साथ ही आपको इसमें नॉइस कैंसिलेशन का भी ऑप्शन मिलता है। और ये एयरफोन वाटर और स्वेट रेजिस्टेंट के साथ आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसमें आपको मैग्नेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। तो ये थे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, अब हम इन्हें टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इन्हें अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, वन प्लस एयरफोन का नाम आ चुका है, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इसमें कितनी परसेंटेज चार्जिंग है, ये आपको इसमें ही दिख जाएगा। तो चलिए इन्हें टेस्ट करते हैं। अब मैं इसमें म्यूज़िक प्ले करूँगा। Thank you.
तो आपने इसकी साउंड क्वालिटी तो सुन ली। तो वैसे तो इस वीडियो में आपको इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं लगेगा, पर आप इन्हें जब परचेस करेंगे तो आप इसकी क्वालिटी ज़रूर देखना। इसमें आपको बेस बहुत ही ज़्यादा मिलता है और साथ ही आपको साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी मिलती है। इसे मैंने खुद यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो सॉन्ग्स होते हैं उनके जो बैकग्राउंड म्यूजिक होती है वो भी आपको बहुत ही क्लियरली सुनाई देंगी। और अगर बेस की बात करें तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेस मिलता है। मैं तो ये कहूँगा कि इस रेंज में आपको किसी भी और एयरफोन में इतना बढ़िया बेस नहीं मिलेगा। तो हमने इसकी टेस्टिंग भी कर ली, इसके बारे में सारी डिटेल्स भी जान ली। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो यूजुअली ये आपको 2000 में मिलता है, पर अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो ये आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा, यानी कि 1700 या 1800 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ जाकर भी इसे बाय कर सकते हैं। तो बस ये था दोस्तों वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड बेस एडिशन एयरफोन का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।